हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसा कि वीडियो के टाइटल में आपने देख ही लिया है, सो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूं कि ये वीडियो मेरी purple.com के ऊपर है। तो कुछ मैंने purple.com से लाइनर्स मंगाए थे आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। सो जो प्रोडक्ट्स हैं वो है NYBA के एलिस आईलैंड आईलाइनर। सो मैंने उसमें 3 शेड्स थे, तो मैंने 3 शेड्स ही आप लोगों के लिए ऑर्डर कर दिए थे। तो दिस इज NYBA एलिस आईलैंड आईलाइनर। ये जैसे कि आप इसकी पैकेजिंग देख रहे हैं, इसकी बॉक्स की पैकेजिंग कुछ इसी टाइप की है, और मैं आपको इसके बारे में दिखाती हूँ। ये NYBA एलिस आईलैंड आईलाइनर है, जो कि NYBA बहुत बस purple.com पे ही मिल सकता है आपको, और कहीं नहीं मिलेगा ये ब्रांड आपको। सो दिस ब्रश फॉर परफेक्ट लाइन्स, 1 स्ट्रोक एप्लीकेशन है, हाईली पिगमेंटेड है, क्विक ड्राई फॉर्मूला है, वाटर रेजिस्टेंट है, स्मच प्रूफ है। तो गाइज ये जो भी क्लेम करता है उसके बारे में हम आगे चेक करते हैं कि ये जो क्लेम करता है वो है या नहीं। सो पहले मैं आपको इसके बारे में दिखा देती हूँ। इसका प्राइस ये हुआ है कुछ 149, 150 रुपए के आसपास, और 6 ml, बट ये आपको ऑफर में हमेशा बहुत कम के मिल जाएंगे, 149 से बहुत ज्यादा कम के मिलेंगे आपको। और ये मैन्युफैक्चर हुआ है 119 में और 1220 पे, मतलब अगले साल पूरी साल ये एक्सपायर नहीं होएगा। तो इसमें पैराबीन वगैरह कुछ नहीं है। वाओ, इसमें पैराबीन गाइस बिल्कुल भी नहीं है, ना सल्फेट्स हैं, आपकी आईज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, देखिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है इसमें, और ये कुछ इसी टाइप से था। तो अब इसका मैंने आपको इन डिटेल रिव्यू कर दिया है, तो मैं अब आपको इसके शेड्स दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट है ये ब्लैक पर्ल, ये ब्लैक पर्ल है, गाइज ये है ब्लैक पर्ल NYBA का एलिस आइलैंड आईलाइनर। तो कुछ एक शेड ये है ब्लैक कलर का, ऑन द शेड वन ब्लैक, और ये है शेड 2 ब्लू लगून। सब ये एक से कार्डबोर्ड में आएंगे और इसी टाइप की इनकी पैकेजिंग है। एंड ये रॉयल ब्लू कलर का है, बहुत ज्यादा प्यारा कलर है, मुझे इस टाइप का ही ब्लू कलर चाहिए था। ये देखिए कितना प्यारा प्रिटी कलर है। एंड जो थर्ड इसका शेड है, 3 ही शेड है इसमें, ग्रीन मॉस। अगर आप लोगों को स्टे कुकी के भी लिक्विड लाइनर की रिव्यू चाहिए, उसमें 6-7 कलर है आई लाइनर के, अगर आपको वो भी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये थर्ड वाला है, ये ग्रीन मॉस, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर। सो ये 3 लाइनर्स हैं इसके NYBA के, जो कि इतनी अच्छी ग्रिप में आते हैं आपके लिए। ये देखिए तीनों कलर, जो भी इसका जो भी ऊपर चिट लगी हुई है इस टाइप की, इसी का जैसा सेम कलर है। ये ग्रीन का ये वाला कलर आपको दिख रहा है इसका कांच में, पर ये वाला कलर है इसका ग्रीन का। सो मैं आपको इसके स्वॉचेस दिखाती हूँ। तो देखिए इन तीनों के मैं आपको स्वॉचेस दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक। तो गाइज फर्स्ट जो था हमारा वो था ब्लैक कलर। गाइज इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है गाइज, आप इसे इजिली इस टाइप से पकड़ सकते हैं और अपने नैनो में अप्लाई कर सकते हैं। सो इसका देखिए ग्रिप कितना पतला है, इसका ब्रश बहुत ज्यादा थिन ब्रश है इसका, ये देखिए कितना थिन ब्रश है। मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ, हाईली पिगमेंटेड, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर है, और उसकी ग्रिप आप इससे थिन लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं और ब्रॉड आईलाइनर भी ड्रॉ कर सकते हैं। थिन और थिक आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। एंड सेकेंड शेड है ब्लू, ब्लू का कलर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल जेट रॉयल ब्लू कलर है, जैसा मुझे कलर चाहिए था, ये देखिए ब्लू कलर। एंड थर्ड है ग्रीन कलर, ये देखिए 3 है डार्क ग्रीन कलर, जो कि रॉयल ग्रीन ही बोलते हैं जिससे, और ये तीनों शेड्स है इसके, देखिए ग्रीन ब्लू
एंड ब्लैक। गाइज मैंने ब्लैक कलर का इसलिए आपको बिल्कुल पतला ड्रॉ करके दिखाया, बिकॉज सब जो भी ब्लैक कलर का लाइनर बेसिक अप्लाई भी करता है तो वो पतला ही रहता है, और ब्लू और ग्रीन मोटे मोटे लगाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखाने के लिए थोड़ा थिक ड्रॉ किया है। तो अभी मैं आपको इन तीनों को अपनी आईज के ऊपर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी कि मेरी आईज पे कैसी लगती हैं। सो ये देखिए अभी ये ड्राई होते हैं जब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। गाइज ये देखिए ड्रॉ हो गए हैं ये लाइनर्स और बहुत अच्छे से सूख गए हैं। गाइज देखिए ये स्मच प्रूफ तो है, और वैसे भी आप अपनी आईज के साथ कौन सा ज्यादा खेल वेल करते हैं जो कि ये खराब हो जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा रगड़ रही हूँ इसे, देखिए बिल्कुल भी ज्यादा बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लगाया मेरी फिंगर्स पे, देखिए बिल्कुल भी नहीं लगाई। ये ग्रीन वाला मैंने छुटा दिया था, ये जब छूट गया था, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं हटाए। देखिए गाइस अब मैं आपको इसको अपनी आईज पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने ये अप्लाई कर रखा है ग्रीन कलर का लाइनर जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, एंड देन सेकंड आईज पे अपना अप्लाई कर रखा है ब्लू कलर का लाइनर जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।